भारत के लिए वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर खेलने कौन खिलाड़ी, रिकी पॉन्टिंग ने सुझाया चौंकाने वाला नाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 के करीब आते ही टीम इंडिया के बैटिंग लाइनअप में नंबर 4 को लेकर बहस तेज हो गई है। इस नंबर पर किसे बैटिंग करनी चाहिए, इसे लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। इसी नंबर पर केएल राहुल, अंबाइती रायडू और ऋषभ पंत से लेकर धोनी और विराट कोहली तक के नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान रहे रिकी पॉन्टिंग ने अब इस बहस को लेकर अपनी एकदम अलग राय दी है। पॉन्टिंग ने कहा कि हाल ही में रायडू और पंत के फ्लॉप होने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को आजमा सकती है। पॉन्टिंग ने चौथे नंबर के सुझाया चौंकाने वाला नाम। पॉन्टिंग ने श्रेयस की तारीफ करते हुए कहा कि घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड उनकी सफलता की मानगी देता है और आगामी आईपीएल सीजन में वो इस युवा खिलाड़ी के साथ काम करने को लेकर उत्साहित है। पॉन्टिंग को श्रेयस अय्यर की आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स का मुख्य कोच बनाया गया है। लेकिन श्रेयस अय्यर के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की रेस से लगभग बाहर होने के बाद पॉन्टिंग ने कहा कि टीम इंडिया चौथे नंबर पर राहुल को फिट कर सकती है। पॉन्टिंग ने क्रिकबस से कहा कि उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान कुछ खिलाड़ियों को आजमाया, रायडू, ऋषभ, शंकर एवं श्रेयस अय्यर को भी आजमा सकते थे। वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका घरेलू सीजन काफी शानदार रहा था, मैं उनसे मिलने के लिए उत्साहित हूं। यह रोचक पहेली है, शायद वो उस स्थान पर राहुल को फिट कर सकते हैं। टीम इंडिया को अब वर्ल्ड कप से पहले कोई सीरीज नहीं खेलनी है। भारतीय खिलाड़ी अब 23 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से चौथे नंबर पर किसे बैटिंग करनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।